शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक घर में बिल्कुल अकेली थी। घर को एक्सप्लोर करते करते उसे एक बॉक्स मिलता है, वो ओपन करती है तो वो था एक बैलरीना म्यूजिक बॉक्स। म्यूजिक बजती है और उसे वो बॉक्स काफी अच्छी लगती है, फिर वो उसे बंद करके रख देती है। थोड़ी देर बाद वो एक किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक वो म्यूजिक बॉक्स अपने आप खुल जाता है और म्यूजिक प्ले होता है। तो इसे वो लेडी को थोड़ी अजीब लगती है, वो बॉक्स को देखती है और म्यूजिक बंद हो जाती है। वो बॉक्स को फिर से बंद कर देती है। इसके बाद वो फ्रिज से खाने के चीजें ले आती है और देखती है वो म्यूजिक बॉक्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है। जहाँ वो रख के गई थी वहाँ नहीं है, बल्कि वो जहाँ बैठी थी वहाँ पे है और वो बॉक्स खुला हुआ है। तो वो लेडी फिर से बॉक्स को बंद करके दूसरे कमरे में बॉक्स को रखती है और उस कमरे की डोर अच्छे से बंद करती है और टीवी देखते हुए ड्रिंक्स करने लगती है। अचानक टीवी बंद हो जाती है, वो देखने जाती है तो दूसरे कमरे की लाइट्स भी चली जाती है। फिर से म्यूजिक बजने लगती है, वो उस रूम की डोर से देखने जाती है और डोर को थोड़ा सा ओपन करती है। तभी अंधेरे में उस रूम में एक बैलरीना को देखती है जो डांस कर रही थी। अचानक वो स्पिरिट ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे उसको फांसी दी गई हो। तभी वो स्पिरिट उसके पीछे आती है और लेडी दरवाजा बंद कर देती है। अब दरवाजा को वो स्पिरिट जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के लिए आवाज बंद हो जाती है। तभी उस कमरे में किसी भूतिया हाथ को हम लेडी के पीछे देख पाते हैं। लेडी पीछे मुड़ती है और वो बैलरीना की स्पिरिट उस पे हमला कर देती है। लेडी की चीख के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो वो म्यूजिक बॉक्स में एक बैलरीना की आत्मा थी जो शायद अपने आप को फांसी लगाकर मर गई थी और उसकी आत्मा उस घर को हॉन्ट करती थी।